डिवाइन ओंकार मिशन में 10वीं के 40 बच्चों को दी गई विदाई। मुर्राम कला स्थित डिवाइन ओंकार मिशन स्कूल में सोमवार को एक समारोह का आयोजन कर 10वीं के छात्र छात्राओं को आशीर्वचन के साथ विदाई दी गई, जिसमें इंग्लैंड से आए चरणजीत सिंह और संस्था के संस्थापक अप्रवासी भारतीय तरसेम लाल नागी मुख्य रूप से शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अतिथियों के संबोधन के बाद जूनियर वर्ग के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल के जो सत्र 2017-18 के जो मैट्रिक के बच्चे हैं, आज उनके लिए हम लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया है। और इसमें हमारे यहाँ यह परंपरा है कि क्लास 9th के बच्चे खुद से सारा अरेंजमेंट करके क्लास 10th के बच्चों को विदाई समारोह में सारा पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आज संस्था के फाउंडर श्री तरसेम लाल नागी जी और एक मेंबर चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो कि इंग्लैंड से स्पेशल यहाँ पर पधारे हुए हैं, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाएगा और उनके मेमोरी के लिए पूरे ग्रुप का एक फोटो उनको दिया जाएगा, और उनके अच्छे भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हुए उन्हें हम यही संदेश देंगे कि डिवाइन ओंकार मिशन का जो एक सबसे बड़ा मोटिव है कि समाज में सेवा को सर्वोपरि मानो, आगे आप अपना पढ़ाई को जारी करते हुए इस सेवा के कार्य को जारी रखना और समाज में एक डिवाइन ओंकार मिशन संस्था का एक अच्छा मैसेज पेश करना। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है